आज हमने पनीर बनाया बिल्कुल मार्केट के जैसे, में मार्केट में जैसा मिलता है सेम उसी तरह आप घर पे भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं घर पर पनीर, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि परफेक्ट पनीर बना है जिस तरह आप मार्केट से लाते हैं सेम उसी तरह बनता है। लेकिन मार्केट से अगर आप लाओगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप घर पर बनाओगे काफ़ी शुद्ध बनेगा और कुछ सस्ते भी पड़ेंगे। तो कैसे बनाते हैं ये देखिए, कितना अच्छा पनीर मेरा बना है। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध की यूज किया है। दूध को मैंने अच्छे दूध लिया है अपने, उसके बाद इसको उबाल आने तक इसको उबालेंगे। कम से कम इसको 5 मिनट तक इसको उबाल लेंगे। उबाल जैसे मैंने यहाँ पर मैं चूल्हे पे चढ़ा दिया हूँ और जैसे इसमें उबाल आने लगेगा तब तक इसी को इसको बीच बीच में चलाते रहना है एक करछुल से। उसके बाद जैसे इसमें देखिए उबाल आना हो गया, उबाल हो गया है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आप नींबू का भी यूज कर सकते हैं दूध को फाड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने घी बनाया था तो उसमें जो पानी बचा था वो छाछ वही उसी का यूज किया, उससे भी दूध फट जाता है। अगर आप इसके जगह आप नींबू का यूज करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा और जल्दी दूध फटेगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो मैंने यहाँ पर देखिए उसको डालने के बाद यहाँ पर देखिए दूध थोड़ा थोड़ा फटने लगा है। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से दूध यहाँ पर फट गया है। यहाँ पर थोड़े और देर तक रहने देंगे चूल्हे पर ताकि जितने भी अच्छे तरह से ये दूध फट जाएगा। देखिए पूरी तरह तो नहीं फटा है लेकिन 70-80% तक यहाँ पर देखिए दूध मेरा फट गया है। अब देखिए इसका जो पानी है वो अभी दूध कलर दिख रहा, मतलब ये पूरी तरह से नहीं फटा है। तो इसको और थोड़ी देर तक इसी तरह रहने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। इसको हल्की आँच में इसी तरह थोड़े चलाते रहना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ी देर में यहाँ पर देखिए मेरा दूध जो है उसमें पूरी तरह से फट गया है, बिल्कुल पानी से अलग हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से अलग से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको छानना पड़ेगा। छानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं चूल्हे से नीचे उतार लिया हूँ और नीचे उतारने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको एक कपड़े की मदद से जिस तरह आप खोआ छानते हैं सेम उसी तरह इसको भी वही सेम प्रोसेस है। मतलब आप जिस तरह आप एक कपड़े ले लें, कपड़े के नीचे कटोरी रख लें, उसमें जो भी पानी आएगा वो अलग हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको इसका पानी में अलग कर लेता हूँ। पानी को अलग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बॉयल लिया है, उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रख लिया हूँ। आप अपने पतले आकार के कपड़े यूज कर सकते हो जिसमें पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा यूज किया है, कपड़े के ऊपर से मैंने नीचे एक बॉयल रख दिया हूँ, उसके ऊपर जितने भी पानी और दूध जो भी फटा है पूरा इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद इस कपड़े को चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे ऊपर से उठाकर और इसको अच्छे से राउंड करके इसको बांध देना। जिस तरह आप बांधते हैं उसको थोड़ा नीचे से पकड़ के जहाँ तक ये खोवा है उसका पूरा नीचे से उसको थोड़ा सा राउंड घुमाएंगे तो ये पूरा एक तरह पैक जैसा हो जाएगा। उसके बाद इसको एक किसी चीज़ के अंदर इसको दबा के रखना। ध्यान रहे कि इसको आपको ज़्यादा निचोड़ना नहीं, बिल्कुल पानी पूरा नहीं इसको निकालना है। ये धीरे धीरे अपने आप इसका पानी निकल जाएगा तो ये अपने शेप में आ जाएगा। तो इसको ज़्यादा निचोड़ना नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको निचोड़ के जितना भी पानी आराम से निकल रहा निकाल देना है। उसके बाद इसको इस पानी को अलग रख देना है और एक प्लेट के ऊपर इसको रख देना है। प्लेट के ऊपर रखने के बाद इसको हल्के हाथों से दबा देना है। उसके ऊपर में आप एक प्लेट ऊपर से भी रख देंगे, उसके ऊपर एक वजन चीज़ कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर आप जो पानी निकालें वो पानी का बॉयल भी इसके ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो आप कुछ मतलब 1.5 किलो कुछ, जैसे मैंने 1 किलो का दूध लिया तो मैंने 1 किलो का बाट यहाँ पर रख दिया हूँ। इसी तरह आप कुछ वजन चीज़ आप इसको 1 घंटे तक इसी तरह रहने दें, जो भी इसका पानी वो बाहर निकल जाएगा और ये पनीर अपने आप बन जाएगा। तो इसको मैं 1 घंटे के बाद यहाँ पर देखता हूँ। 1 घंटे के बाद जैसे मैं इसको हटाया हूँ, हटाने के बाद इसका जो भी इसको प्लेट को भी हटाने के बाद इसको देखते हैं पनीर कैसा बना मेरा रेडी है। इसको कपड़े से निकालने के बाद इसको ठंडे पानी का एक कटोरी में ठंडे पानी प्लेट में ठंडे पानी ले लें, उसको इस प्लेट में इस तरह पानी में डुबो के रख दें। इसको अगर आप तो आधे घंटे तक और ज़्यादा रख देंगे, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है मिले सब्जी बनाने के लिए, तो अगर इसको आप आधे घंटे से 1 घंटे तक इसको अगर रख देंगे तो काफ़ी अच्छा और भी ज़्यादा मुलायम हो जाएगा और थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। तो इसको मैंने देखिए कितना परफेक्ट पनीर बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा है।
इसी तरह आप इसको पानी में रहने दें, एक से डेढ़ घंटे तक इसको पानी में रख देंगे। उसके बाद इसको आप कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के लिए आप इसको बिल्कुल स्क्वायर के टाइप में इसको आप पहले लंबे लंबे साइज में इसको कट कर देंगे। चाकू के मदद से इसको पहले लंबे लंबे साइज में कट कर देंगे। उसके बाद फिर से दोबारा भी छोटा छोटा पीस में इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरा परफेक्ट पनीर जिस तरह मार्केट में बनता है, सेम उसी तरह आप घर पे भी इसी तरह बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा पनीर बना है, बिल्कुल मुलायम पनीर बना है, परफेक्ट पनीर। देखिए कितना अच्छा पनीर बना है। इस तरह आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट पनीर आपको बन के रेडी हो जाएगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।